राष्ट्रीय कीट नियंत्रण कार्यक्रम नागपुर के अंतर्गत वाड़ी नगर परिषद के सभागृह में डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया रोग का जन जागृति अभियान चलाया गया। वाड़ी नगर परिषद मुख्याधिकारी डॉक्टर विजय देशमुख की अध्यक्षता में 25 सितंबर को डेंगू चिकनगुनिया को लेकर समीक्षा एवं मार्गदर्शन बैठक सम्पन्न हुई। जिले में डेंगू चिकनगुनिया बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया के खिलाफ रोकथाम अभियान को लागू करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नगर परिषद और आशा सेविका की संयुक्त समीक्षा और मार्गदर्शन बैठक आयोजित की गई। वाड़ी नगर परिषद क्षेत्र में पिछले माह से मुख्याधिकारी डॉक्टर विजय देशमुख की अध्यक्षता में जिला शीतकालीन अधिकारी डॉक्टर अदिति त्यागी, चिकित्सा अधिकारी सुषमा धुर्वे, प्रशासनिक अधिकारी दिनेश बुदे, स्वच्छता विभाग प्रमुख सुषमा भालेकर, स्वच्छता निरीक्षक धनंजय कोतमारे, मुकेश महतो उपस्थित थे। प्रसार को देखते हुए पिछले महीने में आशा सेवकों द्वारा घर का दौरा, बीमारी का सर्वेक्षण, परिसर की सफाई, कीटनाशकों का छिड़काव, फॉगिंग, गप्पी मछली का उपयोग, दवा की आपूर्ति आदि पर काम किया गया। मुख्याधिकारी डॉक्टर विजय देशमुख ने मामले की समीक्षा की और आशा सेविका व स्वास्थ्य कर्मियों को बचाव के उपाय बताए। इस अवसर पर अदिति त्यागी, डॉक्टर सुषमा धुर्वे, अपला दवाखाना के चिकित्सक डॉक्टर संजय पराते, अतराम सहायक राजेंद्र महल्ले, ए सेवक सचिन हिवारकर, अमोल शिंदे, विजय इंगले, आशीष गुड़कवार, घनश्याम भोगड़े और स्वास्थ्य कर्मियों का मार्गदर्शन किया। सभी आशा कार्यकर्ता इस दौरान उपस्थित थी। वाड़ी से संवाददाता की रिपोर्ट।